नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनियम के बारे में। तो इलेक्ट्रोनियम का जो क्वाइन है, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोनियम के बारे में कुछ उनको बताया जाए कि इलेक्ट्रोनियम का एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रोनियम का जो रेट है वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोनियम का जो क्वाइन है वो नवंबर 17 में लॉन्च हुआ था। क्वाइन मार्केट पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो एट प्रेजेंट जो करंट है वो 272 सतोशी चल रही है और अप्रोक्सीमेटली 310 सतोशी तक चल रहा है इसका फ्लक्चुएशन। तो इलेक्ट्रोनियम की जो टोटल सप्लाई है वो आप देख रहे हैं, करंट रेट देख रहे हैं इसका 272 सतोशी चला हुआ है और अभी इसके जो प्राइस के जो फ्लक्चुएशन है इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं अभी, और जो नई नई चीज़ें आएंगी आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो इसके जो टोटल सप्लाई है वो आप देख सकते हैं, इसमें दिखा रखा है, और जो मैक्सिमम सप्लाई है वो आगे दिखा रखा है इसमें। ठीक है, तो इतने जो इलेक्ट्रोनियम है वो आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई प्लस मैक्सिमम सप्लाई। अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें इतना है और 22,332 BTC पे इसका मार्केट का ट्रेडिंग चल रहा है और ये इसके इलेक्ट्रोनियम की वेबसाइट है दोस्तों, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं साइनअप करके यहाँ पर, और इसके जो इन्फो है इलेक्ट्रोनियम के बारे में, अभी क्या क्या इसमें अपडेशन चल रहा है और पीछे क्या क्या अपडेशन हुआ था उसके बारे में सारी जानकारी इसकी वेबसाइट के ऊपर दी गई है। तो कृपया करके इसको आप रीड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनियम कहीं भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपने स्टोर कर रखा है और आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, या उसको इस वॉलेट में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ भी आप स्टोर कर सकते हैं, यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप साइनअप करेंगे, आप अपना ईमेल वहाँ पर डालेंगे तो उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा आपके ईमेल के अंदर, तो उसको वेरीफाई कराना है। इस तरह से जब वेरीफाई लिंक कर देंगे तो आपके पास एक्टिवेशन लिंक पहुंच जाएगा ईमेल में और उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करना, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है इलेक्ट्रोनियम के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करें। ठीक है, और electroneum.com के ऊपर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप देख सकते हैं अभी, तो ये आप टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कॉन्टेक्ट अस। तो ये सारे डिस्कस हम आपसे जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, जो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करें, इलेक्ट्रोनियम क्या है, इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और इसका ट्रांजैक्शन फीस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस वेबसाइट के ऊपर दी गई हैं। तो इस पर आप जा, तो दोस्तों सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन इस पर दी गई है, इन्फॉर्मेशन अबाउट और दीज टर्म्स और सर्विस, डिजिटल करेंसी क्या है, मोबाइल करेंसी क्या है, इसका ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है इलेक्ट्रोनियम का, सारे डिस्कशन इसके ऊपर दी गई है। मिनिमम विड्रॉ लिमिट क्या है, मैक्सिमम विड्रॉ लिमिट क्या है और ट्रेडिंग कंसिडरेशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, और इसका जो वॉलेट एड्रेस है वहाँ पे कितनी फ़ीस आपकी कटेगी, जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से आप कर सकते हैं, सारे डिटेल्स इसमें। टर्म्स एंड कंडीशन का जो वाउचर है ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दिया गया, प्राइवेट की, वॉलेट की, मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन, जो भी इलेक्ट्रोनियम की टेक्नोलॉजी है, जो भी डेवलपमेंट है अभी तक का इनका एक साल का, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो कृपया करके इनको पढ़िए, आपको इलेक्ट्रोनियम मोबाइल क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता लग जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रोनियम की करेंसी है वो टोटली मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है और मोबाइल से माइनिंग होती है। आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसकी माइनिंग कर सकते हैं फ्री में, और इस प्रकार से आपको एक पिन चूज करना पड़ेगा 5 डिजिट का, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइनअप करेंगे, साइनअप के बाद ईमेल को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको एक 5 डिजिट का यहाँ पे पिन वेरिफिकेशन चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ईमेल आईडी डाल करके, पासवर्ड डाल करके, और फिर दोबारा से आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद ईमेल आएगा, ईमेल के बाद फिर आपको पिन वेरीफाई करना है। पिन वेरीफाई करने के बाद इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हम बताएंगे आगे कि आपको करना क्या है आगे। ठीक है, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है, KYC इसका 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो KYC कैसे आपको करना है उससे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लास्ट में कि KYC में आपको KYC फर्स्ट लेवल का करना है, सेकेंड लेवल का करना है, थर्ड लेवल का करना है। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका जैसे ही यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप इसके अंदर जो KYC का जो प्रोसीजर है
जिसके लिए आजकल इलेक्ट्रोनियम हाईलाइटेड हो रखा है वो करेंगे। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो इस तरह का आपके पास आएगा, ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर, पिन रिकवरी और पिन सेटअप, ये चार स्टेप हैं, ये कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको। तो केवाईसी से पहले ये चार जो बेसिक स्टेप है वो आप कंप्लीट कीजिए और आपका पिन सेटअप कीजिए और उसको लिख कर रख लीजिए कहीं पर डायरी में। वो पिन सेटअप जो आप करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको जो पिन है वो 5 डिजिट का डालना पड़ेगा। इस तरह से ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, आपको एक मोबाइल नंबर डालना है और उस पर कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपको पिन रिकवरी डालना है इसके ऊपर और फिर पिन सेटअप आपको करना है, ठीक है। तो ये चार स्टेप हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, आप कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ईमेल आता रहेगा वेरीफिकेशन पे, लिंक वेरीफिकेशन कंप्लीट करिए, उसके बाद इसको अकाउंट को बनाइए। जब आप अकाउंट में लो तो दोस्तों अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको जो डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनियम का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है काफ़ी टाइम से कि केवाईसी इसका होने वाला है, क्योंकि केवाईसी के जरिए दुनिया की पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है जो आपको केवाईसी करवा रही है, ठीक है। केवाईसी करने का मेन उद्देश्य ये है, नो योर यूज़र, आपके पास कितने यूज़र हैं, कितना डाटाबेस है, किस कंट्री से है और जो यूज़र है वो ओरिजिनल है कि नहीं, और काफ़ी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो इसका जो पार्टनरशिप है वो अभी हुआ है सिस्टम कॉइन के साथ, सिस्टम कॉइन में डॉलर और यूरो में इसका जो है सिस्टम वो चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो नई नई चीज़ें हैं वो आ रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक इसका जो पार्टनरशिप हुआ है लिक्विड इज ए बिजनेस बेस्ड डिफाइंड मूवमेंट ऑफ ETN, तो लिक्विड के साथ भी इसका पार्टनरशिप हो रहा है आजकल। और KYC के अभी जो देख रहे हैं 17 डेज लेफ्ट है अभी, तो जैसे ही 12 नवंबर आएगा तब से ही आपका KYC होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी 17 डेज लेफ्ट है, उससे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट क्रिएट कैसा करना है उसके बारे में आपको बता दिया गया है, और अकाउंट क्रिएट करने के पश्चात आपको लॉगिन करना है उसमें, ठीक है। और ETN का जो पार्टिसिपेशन पेयर्स हैं इसके डॉलर्स और उसके साथ भी हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका जो ETN लिक्विड फिएट पेयरिंग इसके साथ इनका पार्टनरशिप हो रहा है 5 नवंबर को, लाइव 5 नवंबर को आप देख पाएंगे लिक्विड के साथ इसका जो पेयरिंग हो रहा है, और उधर डॉलर्स में हो रहा है, यूरो में हो रहा है, वो इलेक्ट्रोनियम का और बिटकॉइन में हो रहा है, 3-4 जगह से इनका जो ट्रांजेक्शन है वो फिएट करेंसी में भी हो रहा है। तो इस तरह से नंबर 1 फिएट करेंसी, नंबर 2 बिटकॉइन, नंबर 3 डॉलर्स, नंबर 4 यूरो, नंबर 5 लिक्विड, ये काफ़ी, और नंबर 6 ETN कॉमर्स, ये 6 चीज़ें हैं जो कि कंटिन्यू प्रोसेस में चल रही हैं, और 7वीं चीज़ है KYC। तो ये जो 7 पॉइंट है मेन, आने वाले टाइम में 3 से 4 महीने के अंदर इलेक्ट्रोनियम का जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक ऊपर जाने की संभावना है, अप्रोक्सीमेटली जो रिसर्च है उसमें बताया गया है। और इस प्रकार से इसके जो इलेक्ट्रोनियम का जो कॉइन है वो 10 एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रहा है, जैसे कॉइन बीन, बिटबेंस, क्रिप्टोपिया, क्रिप्टोस, ट्रेड और कॉइन स्पोर्ट, एल्ट्रेक्स एक्सचेंज और क्रिप्टोनिट, और नीचे देख रहे हैं आप लेट्स डोनिक और कोकॉइन। तो ये क्रिप्टोपिया, क्रिप्टोज, ये जितने भी 10 एक्सचेंज है काफ़ी बड़ी एक्सचेंज हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनियम का ट्रेडिंग हो रहा है जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये 10 एक्सचेंज हो गए, 7 पॉइंट ये हो गए, ठीक है। और जो इसका फेसबुक पेज है वो आप फेसबुक पेज आप देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी इन्होंने करंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इस फेसबुक पेज के साथ आप जुड़ के इनके करंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इसमें क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेन ETN का जो पेयरिंग हो रहा है वो यूरोज में भी हो रहा है और डॉलर्स में भी हो रहा है, और बहुत ही जल्दी इनका जो पेयरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इलेक्ट्रोनियम को आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यूरोपियन कंट्री में यूरो चलता है, डॉलर चलता है इधर अमेरिकन कंट्रीज, USA वगैरह कंट्री में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। तो इनके जितने भी पार्टनरशिप कंट्री हैं यूरो और डॉलर, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है दोस्तों। और ये जो है UK बेस है इलेक्ट्रोनियम, तो 3 कंट्री में, इस एक कंट्री में 3 तरह की करेंसी का आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनियम। चौथी करेंसी आ गई बिटकॉइन, और सिस्टम कॉइन के साथ इसका टाई अप हो रहा है, और सिस्टम कॉइन में डॉलर, लीरा, बिटकॉइन, ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। सिस्टम कॉइन एक बहुत बड़ी एक्सचेंज का नाम है जो कि टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में आता है, और इसका जो पार्टिसिपेशन है वो जो नया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो सिस्टम कॉइन के साथ इनका आ रहा है आने वाले टाइम में, जो पेयरिंग है डॉलर और टर्किश और लीरा, ठीक है, डॉलर में, टर्किश में, लीरा में, यूरो के बाद। तो ये 8वां पॉइंट है इसका। तो ये 8 चीज़ें इसमें
काफ़ी टाइम से इस पर मंथन चल रहा है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इन सब के साथ इनका पेयरिंग होता चला जाएगा और न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएगी। ठीक है, जो ETN का जो पेयरिंग डॉलर के साथ भी हो जाएगा, टर्किस के साथ भी हो जाएगा, जो भी टर्किस कंट्री है तुर्की और लीरा में हो जाएगा, यूरो में हो जाएगा, फिर उसके साथ इनका लिक्विड के साथ भी पार्टनरशिप चल रहा है, फिर KYC भी चल रहा है और ट्रेडिंग भी चल रहा है 10 एक्सचेंज पे, और आने वाले टाइम में काफ़ी एक्सचेंज पे ये कॉइन और आने वाला है। और जो कि ये करेंसी है दोस्तों, ये मोबाइल बेस्ड करेंसी है, आप इस करेंसी की जो माइनिंग है वो मोबाइल से कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। अगर एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने बैकग्राउंड में चला सकते हैं, जैसे सिस्टम कॉइन का ट्विटर हैंडल है वहाँ पर जा करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनका टाई अप ऑलरेडी हो चुका है सिस्टम कॉइन के साथ। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो दोस्तों इस तरह से इलेक्ट्रोनियम का आने वाले 3 से 4 महीने में जो प्राइस का चार्ट हमने रखा है, और ये आप देख सकते हैं ETN और यूरो कमिंग टू लिक्विड। ठीक है, इलेक्ट्रोनियम और यूरो कब जो है लिक्विड के साथ में इनका पार्टनरशिप हो चुका है, और इनका जो प्राइस का फ्लक्चुएशन की बात कर रहे थे, अप्रोक्सीमेटली हमारे हिसाब से 2000 से 2500 तक जाना चाहिए। और जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इस तरह से आपको KYC करना होगा, यहाँ पे KYC जैसे आप लॉगिन करेंगे अकाउंट में तो इस तरह की विंडो मिलेगी आपको। ठीक है, जहाँ पे Level 1, Level 2, Level 3 लिखा होगा, Level 1 तो नॉर्मल सबके लिए, Level 2 पे उसी को करना है जो $150 3 महीने के पीरियड में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि 150 यूरो का आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपके अकाउंट में, तब आपको Level 2 की KYC करनी पड़ेगी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपको। अगर 3 महीने के अंदर आप एक्सचेंज से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको Level 2 की KYC करनी पड़ेगी, और 10,000 यूरो से ज़्यादा 3 महीने के अंदर आपने ट्रांजेक्शन किया है इलेक्ट्रोनियम का तो आपको Level 3 की KYC करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ID प्रूफ अपलोड करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो विंडो आप जब इलेक्ट्रोनियम की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इस तरह की विंडो लास्ट में आएगी, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, आपको आपकी डिटेल्स सेंड करनी है इसमें, सारी चीज़ें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कंट्री, ये सारी डिटेल भरने के पश्चात नीचे जो अभी कॉलम हमने आपको दिखाया था Level 1, 2, 3 वो आएगा इस पेज में। ठीक है, तो इस तरह से आपको KYC करनी है, और ये चारों स्टेप हम बता चुके हैं आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, ये चारों स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। ईमेल वेरीफाई लिंक आएगा, वेरीफाई करना है, फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, फिर पिन रिकवरी आपको सेटअप करना है 5 डिजिट का, और फिर पिन सेटअप करके उसको याद रखना है, उसको नोट करके रखना है। ठीक है, पिन रिकवरी भी ईमेल के थ्रू होगी, उसके बाद ये विंडो होगी, फिर ये होगी। ठीक है, इस तरह से आपको क्लिक करना होगा, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और उसके पश्चात आपका जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिन है 5 डिजिट का जो पिन है वो आपको करना है, कंफर्म करना है एक बार और उसको नोट करके रखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अकाउंट के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे। और पिन रिकवरी आपकी ईमेल से ही होगी, उस ईमेल में आपको एक ईमेल और डालनी पड़ेगी जो आपकी रिकवरी की ईमेल होगी। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे टोटली और इसकी ट्रेडिंग करेंगे एक्सचेंज पे, और आपने कॉइन स्टोर कर रखा है तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रोनियम की वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से इलेक्ट्रोनियम बिल्कुल सोया हुआ था, और हमने कॉल भी दी थी 82 सतोशी पे, जब इलेक्ट्रोनियम का प्राइस गया था उस टाइम हमने कॉल दी थी, सिग्नल प्रोवाइड किया था कि 82 सतोशी पे आप बाई कीजिए, और इसका जो रेट है वो 450 सतोशी तक गया है 82 सतोशी से, यानी कि 5 से 6 गुना तक वहाँ पर प्राइस इसका गया है, तो वहाँ पर 5x लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। तो इसका जो चार्ट है वो पिछले 1 साल का, उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनियम का कॉइन जो पिछले 1 साल से सोया हुआ था, और अभी अक्टूबर के महीने में इसमें जो फ्लक्चुएशन होने लगा इसके प्राइस में, इसको देखते हुए इसका मार्केट कैप भी बढ़ रहा है डेली का, और प्राइस का फ्लक्चुएशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, और इसके साथ आप ट्रेडिंग करके, सेफ ट्रेडिंग करके अपना मनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हैं, जो ग्राफ का जो चार्ट है वो आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल डाउन है, और इस तरह से इसके जो ट्रायंगल बेसिस है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ट्रायंगल भी लेना पड़ता है, एम भी लेना पड़ता है, डब्ल्यू भी लेना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कैंडल्स का बूम देख करके, और काफ़ी चीज़ें होती है जो कि मैं आपको थोड़ी सी हिंट्स इसमें दूंगा, बाकी ट्रेडिंग की टिप्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कि आप किस करेंसी को बाई करेंगे, और करेंसी को बाई करने से पहले आपको क्या क्या देखना होता है चार्ट में,
कैंडल्स का आप डाउन ट्रायंगल कैसे आप देख सकते हैं और उसके माध्यम से आप वहाँ से उस करेंसी से प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 3 महीने का चार्ट है, इसमें ये तो पूरे 6 महीने का था, अभी 3 महीने का जो चार्ट है उसमें हम देखते हैं इसका जो प्राइस का जो टॉप मोस्ट देख रहे हैं 4700 का है पिछले 1 साल का। ठीक है, और अभी ये जो 3 महीने का फ्लक्चुएशन है, 3 महीने का चार्ट कंप्लीट ही है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये उठा है 82 सतोशी से यहाँ तक गया है 450 सतोशी तक, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर 450 तक गया हुआ है लास्ट। फिर अभी ये एट प्रेजेंट जो करंट रेट चल रहा है 284 सतोशी का चल रहा है, और आज का जो हाइएस्ट है वो 310 है, और एक दिन का चार्ट देखेंगे हम तो उस पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, एक वीक का, ये एक वीक का चार्ट है जो कि 450 सतोशी से बिल्कुल 220-22 सतोशी तक गिर चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चार्ट को पढ़ना होता है, चार्ट की नॉलेज लेनी होती है दोस्तों। तो आप इस कॉइन को बाई कीजिए, मैक्सिमम जो रेट है 3 से 4 महीने में इसका जा सकता है 1500 सतोशी के आसपास जा सकता है दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट अपडेट्स के लिए, आने वाले टाइम में मिलती रहेगी आपको। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।